आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों को जब भी कभी मौका मिला है एक दूसरे की कमियां गिनवाई गई हैं। और इस बार तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बता डाला है कि अखिलेश यादव कोरोना के वक्त कहां घूमने चले गए थे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होना है, इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोसी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के वक्त कांग्रेस ने इटली तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंग्लैंड के टिकट कटा लिए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सपा ने काशीराम जी के नाम पर बने विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया था। सपा महापुरुषों को अपमानित करती आई है। सपा को एक बार अवसर मिला तो उसने स्टेट गेस्ट हाउस कांड करा डाला था। समाजवादी पार्टी परिवार के सामने मां भारती के रिश्ते भी फीके पड़ जाते थे। सपा ने नौजवानों के सामने विश्वास का संकट खड़ा कर दिया था। योगी बाबा यही नहीं रुके, उन्होंने दारा सिंह चौहान की एंट्री को लेकर कहा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। दारा सिंह ने अपने घर में वापसी की है। घोसी में विकास को नई बुलंदियों तक पहुंचाने की जरूरत है। लेकिन ये तो हो गई योगी आदित्यनाथ ने जो सभा में बातें कही वो बात। लेकिन आपने क्या गौर फरमाया कि योगी बाबा को अखिलेश कहां जा रहे उस पर बात करनी है, किसकी एंट्री बीजेपी में हुई उस पर बात करनी है, लेकिन जो जनता सुनना चाहती है उस पर योगी बाबा बात नहीं करना चाहते, जैसे कि महंगाई और बेरोजगारी। जी हाँ, जनता अक्सर यही सवाल जानना चाहती है कि योगी सरकार ने अभी तक गरीबों के लिए क्या किया, महंगाई के लिए क्या किया, पर सीएम योगी आदित्यनाथ तो अखिलेश की कमियों को गिनवाने की बात हर सभा में बस करने लगते हैं। असल मुद्दा है वो तो बाबा जी को याद ही नहीं रहता। अगर बात करें अखिलेश यादव की तो अखिलेश यादव ये सब बातें सुनकर भला चुप कैसे रह सकते थे। सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा में घोसी के प्रवचन सभा में घोसी के रुके हुए विकास, यहाँ के बेरोजगारी और महंगाई की समस्या का सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा में कोई जिक्र नहीं किया। सपा के पक्ष में माहौल देखकर भाजपाई नेता केवल भाषणिक औपचारिकता निभाते रहे हैं। अब आपने दोनों ही पक्ष की बातें सुनी, सीएम योगी ने उस सभा में क्या कहा और सीएम योगी की बात का पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने क्या कहा। अब आप ही फैसला करें और यह खबर आपको कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको बता दें कि यह खबर आप रियल न्यूज इंटरनेशनल पर देख रहे थे। मेरा नाम ज़ेबा अली है। अगर यह खबर आपको अच्छी लगे तो हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।